गुड मॉर्निंग बच्चों, SV एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा 8 साइंस में अध्याय नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसके अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, जो जंतुओं में जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं और कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज अपने जो पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख जीव हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पादपों में कौन कौन से सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं, तो अपने स्टार्ट करते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे अपने देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से रोग और कौन से सूक्ष्म जीव हैं, किस प्रकार के रोग फैलाते हैं। तो सबसे पहले जो नींबू का कैंकर रोग है, ये किससे? जीवाणु से फैलता है। और संचरण का तरीका क्या है? वायु। इसमें आपको जो नींबू का फल है उसके ऊपर भूरे रंग के इस तरह से धब्बे दिखाई देते हैं, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है। ये है कैंकर रोग से ग्रसित फल। फिर है गेहूं का रस्ट रोग, ये किससे फैलता है? ये कवक होता है। ये कवक कैसे फैलते हैं पौधों में? वायु और बीजों द्वारा। तो इसमें क्या होता है? रस्ट। रस्ट में मतलब जो तना है वह तने के ऊपर धब्बे पीले रंग के स्पॉट्स बन जाएंगे, इस तरह से दिखाई देगा आपको तना। तो ये गेहूं का रस्ट रोग है। फिर है भिंडी की पित्त, पित्त शिरा मोजेक रोग बोलते हैं इसे पूरा। तो भिंडी की पित्त रोग है, यह वायरस से फैलता है और कीट होते हैं वो कीट के अंदर जब ये वायरस प्रवेश करते हैं तो ये कीट जब पादपों पर बैठते हैं तो ये वायरस को छोड़ देते हैं, तो ये कीट द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है? जो भिंडी के पत्ते होते हैं उनकी सिराएं पीले रंग की हो जाती हैं, तने पीले रंग के हो जाते हैं, तो पित्त शिरा इसे रोग बोलते हैं। ये पादपों में होने वाले कुछ प्रमुख रोग थे। फिर अगला टॉपिक है खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं। तो बूजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। पहली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। तो खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? कभी कभी कुछ सूक्ष्म जीव भोज्य को विषाक्त बना देते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो जाता है। फिर अगला टॉपिक है खाद्य परिरक्षण, मतलब खाद्य पदार्थों को कैसे परिरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक का आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है। इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं
होता है वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करने चाहिए। तो रासायनिक उपाय क्या हैं? नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट ये रासायनिक पदार्थ है तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइट सामान्य परिरक्षक हैं। तो ये रासायनिक परिरक्षक हैं दोनों। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो ये कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो क्या परिरक्षक के रूप में काम में लिए जाते हैं। फिर अगला जो घरेलू उपचार नमक द्वारा परिरक्षण। तो नमक कैसे परिरक्षित करता है खाद्य पदार्थों को? सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम आंवला एवं इमली के परिरक्षण में किया जाता है। तो नमक का उपयोग करके भी जो खाद्य पदार्थ है उन्हें परिरक्षित रखा जा सकता है। फिर चीनी द्वारा परिरक्षण। तो चीनी द्वारा कैसे खाद्य पदार्थों को बचाया जा सकता है? जैम जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। फिर तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तो तेल और सिरका ये किस प्रकार परिरक्षण में सहायक हैं? तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। फिर है गर्म और ठंडा करके रखना, ये भी परिरक्षण का उपाय है। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है। तो पाश्चरीकृत क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पाश्चरीकृत दूध है उसको क्या करते हैं, बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को क्या करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर अचानक ठंडा कर उसका भंडारण करते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या पाश्चरीकरण विधि रखा और इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। फिर है भंडारण एवं पैकिंग। तो ये भी परिरक्षण का उपाय है। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। तो ये परिरक्षण के कुछ उपाय थे। फिर अगला टॉपिक है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में कैसे स्थिर होती है, कैसे पेड़ पौधे इनका उपयोग करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये लेग्यूम पौधों यानी जो दलहन है, दलहनी पादप फलीदार पौधे, उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम की फली होगी, मटर की फली, इन फलियों वाले पौधों की जड़ों में रहते हैं जो एक सहजीवित है। कभी कभी तड़ित द्वारा यानी बिजली द्वारा भी, विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है।
आइए इसके बारे में, इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। तो ये लेग्यूम पौधों की जड़ दिखा रखी, जिसमें ये छोटी छोटी गांठें दिख रही होंगी आपको। इन गांठों में क्या ये राइजोबियम जीवाणु रहते हैं? तो ये राइजोबियम जीवाणु है, लेग्यूम पौधों की गांठों में रहते हैं। फिर है आगे नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो देखते हैं नाइट्रोजन चक्र में किस प्रकार नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% कितनी नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल एवं विटामिन में उपस्थित होता है। नाइट्रोजन पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं करते हैं, जैसे अपने सीधे रूप में कौन सा ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं और पौधे CO2 का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का अपने सीधा उपयोग नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल, ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको स्थिर करके नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। नाइट्रोजन वैसे स्वतंत्र रूप में होती है, लेकिन उसको क्या किसी और तत्व के साथ जोड़ के यौगिक बना दिए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी तो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा, यदि NO बनेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड, तो अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करेंगे तो अमोनिया बनेगी। ये क्या चीज़ें हैं, नाइट्रोजन के यौगिक हैं। तो पहले नाइट्रोजन गैस किसी और तत्वों के साथ जुड़ के इस तरह के यौगिक बनाती है। फिर ये यौगिक क्या होते हैं, जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः यानी इसके बाद क्या होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर हो जाती है, तो इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। देखो नाइट्रोजन चक्र में इसे दिखा रखा है, सबसे पहले मिट्टी में उपस्थित होते हैं नाइट्रोजन के यौगिक। ये नाइट्रोजन के यौगिक हैं किसके द्वारा, पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर पौधे क्या करते हैं, पौधों को कौन खाते हैं, जंतु द्वारा पौधों को खाना, जंतु खाते हैं तो ये खाने के बदले में कुछ अवशिष्ट करेंगे या जंतु मरेंगे तो ये क्या करेंगे, उत्सर्जन एवं जंतु की मृत्यु द्वारा नाइट्रोजन वापस मुक्त हो जाती है और मिट्टी में चली जाती है। फिर ये मिट्टी में गई तो नाइट्रोजन को किस में बदल दिया, नाइट्रोजन के यौगिकों में। तो इस तरह से पौधों द्वारा नाइट्रोजन का चक्र बन गया, यानी इस तरह से ये क्रम चलेगा। फिर है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं, ये क्या होता है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को किस में बदल दिया जाता है, यौगिकों को गैस में बदल दिया जाता है, जिससे NO2 बदल जाती है। फिर SN2 को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, और वायुमंडल में छोड़ने पर ये बिजली यानी तड़ित द्वारा नाइट्रोजन को स्थिर कर दिया जाता है। और या फिर वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल हैं वो इसका स्थिरीकरण कर देते हैं, और जीवाणुओं द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को वापस किसमें, नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, और जो यौगिक है वो मिट्टी में उपस्थित रहते हैं और फिर वापस पादप इसे प्राप्त करते हैं। और जब तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो उसे सीधा ही नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल दिया जाता है, और ये यौगिक वापस पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं। तो यह क्रम या ये चक्र चलता रहता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो ये आज अपने 2nd लेसन कंप्लीट हुआ, तो इसे आपने रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे प्रमुख शब्द हैं और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपने जितना पढ़ा दिया इसे एक बार रिवाइज करना है। थैंक यू।